नमस्कार। आईपीएल 2020 सुनील गावस्कर विराट कोहली पर की गई टिप्पणी ने ले ली विवाद की शक्ल। अनुष्का शर्मा ने दिया करारा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को उनके बयानों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उनका नाम लेते हुए केएल राहुल का कैच छोड़ने पर विराट कोहली को निशाना साधा था। सुनील गावस्कर के इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने तक की बात कह डाली। गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर यह कमेंट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के दौरान किया। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मिस्टर सुनील गावस्कर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका बयान काफी अप्रिय है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे बयान क्यों देते हो और एक क्रिकेटर के खेल के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो। मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि आपने पिछले कुछ सालों में हर क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट की है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा मेरे साथ भी होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे यकीन है कि बीती रात से मेरे पति के प्रदर्शन पर कमेंट करने के लिए आपके जहन में कई वाक्य और शब्द होंगे, या आपके शब्द केवल तभी मायने रखते हैं जब उनमें मेरा नाम आया हो। उन्होंने कहा कि यह 2020 है और मेरे लिए चीजें अब भी नहीं बदली हैं। कब ऐसा होगा जब मुझे क्रिकेट में घसीटना बंद किया जाएगा और इस तरह की एक तरफा टिप्पणी नहीं की जाएगी। रेस्पेक्टेड मिस्टर गावस्कर, आप एक महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम भद्र जनों के इस खेल में ऊंचा स्थान रखता है। मैं बस आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आपने ऐसा कहा तो मुझे कैसा लगा। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सभी मोर्चों पर नाकाम रहे। फील्डिंग के दौरान उन्होंने लोकेश राहुल के दो कैच छोड़े। राहुल ने 132 रन बना लिए। बाद में आरसीबी अकेले राहुल के बराबर भी स्कोर नहीं कर सकी। विराट की बैटिंग और कप्तानी पर भी सवाल उठे। उन्होंने जोश फिलिप जैसे युवा बल्लेबाज को खुद से ऊपर से बल्लेबाजी करने भेजा। फिलिप कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद बैटिंग करने के बाद कोहली 5 गेंद पर सिर्फ 1 रन ही बना पाए। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।